दरभंगा के विभिन्न विधानसभाओं में किसान चौपाल लगाने के बाद भाजपा का यह काफिला शुक्रवार को जाले पहुंचा, जहां ठाकुर बिंदेश्वर शर्मा उच्च विद्यालय बरहमपुर के मैदान में किसान चौपाल के साथ ही साथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार के जाले से विधायक और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार, पथ निर्माण और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे, मधुबनी के सांसद अशोक यादव सहित बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार तैयारी की जा रही थी, जिसका नतीजा रहा कि सभा में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया, जिसको देखकर मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के किसान बिहार में हैं और प्रधानमंत्री के समर्थन में हैं। बढ़ा दियो माला तो। माला की मिले माला तो ना। अभी पत्रकार से मीडिया भाई वहाँ हैं। सीट आप जुटाएं। पूरा मेडल के साथ और देश के जमीन में कहीं हुए। खनिज भाई चालू बजेंगे तो फट फट के हैं। सभी मंडल से मैंने तीन तीन लिया है। दूसरे को दिशा है नमन इस पंचायत को कि आपने इतना मत भारतीय जनता पार्टी को दिया। अजय राजी, अजय वहां विजय सिंह भी है, अंतर है वोटों का। और यह भी आपको ज्ञात होगा कि वहां के कैंडिडेट भी थे, बावजूद इसके उन्होंने आपने आपने भाजपा को इतना अधिकार और प्यार दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि देश के किसानों को 2022 तक आमदनी हम दुगना करेंगे, और 2022 तक किसानों के आमदनी को दुगना करने के लिए खेतों के अंदर जो उत्पाद हैं उनके लागत को कम करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उनके उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, ज़्यादा दाम मिले, उसके लिए भी सरकार कार्रवाई कर रही है और कानून बना रही है। भारत की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर इस देश में किसानों को उन्नत खाद मिले, इसकी व्यवस्था की, यूरिया की जो दिक्कतें होती थी नीम कोटेड यूरिया करके यूरिया की दिक्कत को दूर किया, किसानों के सिंचाई की व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, इसके लिए हर खेत तक बिजली पहुंचाने के योजना पर भारत की सरकार काम कर रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपया प्रति किसान के परिवार में एक किस्त में जाए, साल में 6,000 रुपया। आज ही प्रधानमंत्री जी ने 9 करोड़ परिवारों को 18,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है, तो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का अभियान। आज पूरे देश में कार्यक्रम था, देश के यशस्वी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के सभी किसानों को संबोधित करने का काम किया, साथ ही साथ पीएम किसान निधि से देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी अवसर पर जाले में भी भारी संख्या में कई जगहों पर किसान जुटे हुए थे, और किसान जो भारी संख्या में आज इस ब्रह्मपुर हाई स्कूल के मैदान में भी जुटे थे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्कृष्ट कार्यकर्ता बंधु बांधवगण का भी इस मैदान में आगमन हुआ था, और प्रदेश से आए हुए हम सभी के नेता और बिहार सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का, सभी किसानों का भी यहां सम्मान किया गया। सर, निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है क्या? ना, इससे उसको जोड़कर देखना अभी उचित नहीं।